हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल BMS लेक्चर 17 के। आज का हमारा टॉपिक है व्रण शोथ। ओके, सो जो व्रण शोथ है ये हम शल्य का करेंगे। बेसिकली शल्य तंत्र का जो पार्ट बी है उसमें जो सेकंड पॉइंट है निरुक्ति निदान संप्राप्ति प्रकार लक्षण साध्य साध्यतः उपद्रवण चिकित्सा ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स, जिसमें आपका फर्स्ट आता है व्रण शोथ एंड इन्फ्लामेशन। ओके, सो व्रण शोथ और इन्फ्लामेशन में इसी में आपको इन डिटेल बता दूंगी और 10 मार्क्स के लिए ही आपको दोनों चीजें लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है व्रण शोथ क्या होता है। शोथ क्या होता है, सबसे पहले बात आएगी शोथ मतलब स्वेलिंग क्या है। शोफ समुत्थाना ग्रंथि विदर्दे अलजी प्रभृत प्रायण व्याधो अभिहिता अन्य कृता तवे लक्षणम पृथु ग्रंथि समो विषमो वा त्वक मास स्थायी दोष संघात शरीर एक देश उत्थित शोफ इत्युच्यते। जो इसका लास्ट वर्ड है शरीर एक देश, हाँ, एक देश में जो उच्च मतलब उत्थित होता है मतलब उसमें उत्पन्न होता है उसे ही क्या बोलते हैं, शोफ बोलते हैं। तो इसकी हिंदी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसकी हिंदी में क्या है ग्रंथि और जो विदर्दि होते हैं। अब ग्रंथि भी क्या है, गांठ की तरह है। ठीक है, विदर्दि अलजी आदि से विलक्षण मतलब डिफरेंट स्वरूप वाला अलग होता है इससे, क्योंकि ना तो वो कोई गांठ होती है ना वो कोई विदर्दि होती है ना वो कोई अलजी होती है। तो इनसे विलक्षण स्वरूप वाला फैला हुआ, अब आप अपने माइंड में स्वेलिंग को सोच लो। अब कभी स्वेलिंग हो जाती है तो वो फैला हुआ होता है, गांठदार हो भी सकता है, किसी की गांठ वाली स्वेलिंग भी हो सकती है। तो गांठदार सम या विषम, या तो इक्वल हो या विषम हो। त्वचा और मांस आदि धातुओं में, त्वचा और मांस के बीच की बात हो रही है, धातुओं में वातादि दोषों के वात के समूह होने से या वात आदि के समूह के कारण क्या होता है, शरीर में किसी एक स्थान में जो उत्सेद होता है, जो मतलब जो उठी हुई चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, शोफ बोलते हैं। आई रिपीट, जो ग्रंथि विदर्दि अलजी इनसे विलक्षण स्वरूप वाला होता है, और जो मेन आपको याद रखना है कि जो फैला हुआ विषम या फिर आपका सम भी हो सकता है। ठीक है, और जो त्वचा और जो मांस इनके जो धातुओं में होता है जो वात आदि दोष होते हैं इनके समूह के कारण किसी एक जो देश होता है उसमें उत्सेद होता है उसे शोफ कहते हैं। फिर बात आती है इसकी संप्राप्ति की। संप्राप्ति क्या है, जब दूषित हुआ जो वात दोष होता है ये आपके बाह्य सिराओं में जाकर, ठीक है, जो बाहर की जो सिराएं हैं इनमें जाकर क्या करता है, रक्त और कफ और रक्त की दुष्टि करता है। रक्त की करेगा, एक तो रक्त है उसमें, एक कफ की करता है, एक आपके पित्त की करता है। ठीक है, जब क्योंकि दूषित वात तो है, इनको ले जाकर उन दोषों द्वारा वायु का मार्ग अवरोध हो जाता है। इनसे क्या होता है, वायु वहां पे रुक जाएगी, और वायु ही क्या होती है, जो किसी चीज को फुलाती है ना। हम बैलून में हवा डालते हैं तभी वो फूलता है। ठीक है, तो वायु का क्या कर देती है, ये तीनों चीजें रक्त कफ और पित्त इसके मार्ग को अवरोध कर देते हैं, और जो क्या होता है वायु क्या करता है वहां पे उस स्थान पर उत्सेद कर देता है, उत्सेद आदि लक्षण उत्पन्न करता है उसे ही शोथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सामान्य लक्षण की बात। सामान्य लक्षण में इन्होंने कहा है सगौरवम सियंदन स्यंद अनवस्थितम स उत्सेद उष्मणा अथ सीरा तंतुत्वम स लोम हर्षा अंग विवर्णता च सामान्य लक्षणम श्रव्यतु प्रतिष्ठा। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि अब आपके माइंड में एक तो स्वेलिंग जो है वो आपको पूरे दिमाग में रखनी है। ठीक है, आप कभी आप स्वेलिंग अपने माइंड में रखोगे तभी आप शोध का चैप्टर समझ पाओगे। ठीक है, इसमें क्या होगा वो भारी होगी। दूसरी बात आएगी अनवस्थित होती है कि वो शोध कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले शोथयुक्त स्थान में गुरुता अनवस्थिता और उत्सेद उठी हुई उष्मा तथा सिराओं का क्या होता है, वहां पे गर्म होता है, वो सिराओं कैसी होती है वहां की, पतली हो जाती है, और उन स्थान पर रोम हर्ष हो जाते हैं, और जो स्थान होता है उसका स्वाभाविक जो व्रण होता है, जो कलर होता है, वर्ण होता है, वो भी चेंज हो जाता है। आई रिपीट, सबसे पहले उन्होंने बात किया कि जो शोथयुक्त जो आपका स्थान होता है उसके अंदर हैवीनेस होगी, हैवीनेस के बाद वो अनवस्थित होता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ जाता है, उसके बाद कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, फिर वहां पे उष्णता रहती है। ठीक है, सिराओं का पतला हो जाता है और उठी हुई चीज होती है, रोम हर्ष होता है, और उसका स्किन का कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे इन्होंने बताया, सगौरवम बताया है, ठीक है, अनवस्थित बताया है, उत्सेद होता है, उष्म होता है, और सिरा में तंतु होते हैं, लोम हर्ष होते हैं, और अंग में विवर्णता हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके दोष अनुसार लक्षण। वैसे तो इसके जो लक्षण है जो भेद हैं
वो काफी बता रखे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम दोष अनुसार ही करेंगे, क्योंकि इन्हीं के अनुसार हम इसके विशेष लक्षण की बात करेंगे, तो इसके अंदर आती है छह। शोफ क्या है? सिक्स है, सिक्स। ओके, तो वातपित्त कफ रक्त सनिपातज और अगंतुज। क्या है? वातपित्त कफ रक्त सनिपातज और अगंतुज। और मैं बता दूं आपको, चार चरक जिन्हें दो भी माने हैं जैसे निज अगंतुज, तीन भी माने हैं वातपित्त कफ, चार भी माने हैं वातपित्त कफ अगंतुज, सेवन भी माने हैं जैसे द्वंदज वाले ऐड होके, और एट भी माने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे भेद हैं, लेकिन हमें यहाँ पे किस पे ध्यान देना है? बेसिकली इसके दोष अनुसार जो भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके विशेष लक्षण के। विशेष लक्षण में आपका सबसे पहले आता है वातज शोफ। अब आपको वात याद रखने है। इसका जो श्लोक है, तत्र वात शोफो कृष्ण अरुण वा परुषो मृदु अनवस्थितम तो दाद्यश्च वेदना विशेष भवन्ति। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि कृष्ण होता है, अरुण होता है, ठीक है जी, अरुण कृष्ण और परुष होता है, ए के नहीं के ए पी कैप, के ए पी कृष्ण अरुण परुष, फिर कैसे होता है ये? मृदु होता है। ओके, दैट्स इज मृदु अनवस्थितम। ठीक है, कैसा रहता है ये? मृदु रहता है, अनवस्थित, क्योंकि अनवस्थित होगा, बात होती है, बात कभी एक जगह टिकती तो है नहीं है, तो फिर तो दादृश्य है। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसमें सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। ठीक है, वही इसमें वेदना विशेष भवंती आएगा। आई रिपीट, इन्होंने बोला तत्र वात शोफो, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले आएगा कृष्ण। ठीक है, तत्र वात शोफो कृष्ण अरुण, कृष्ण अरुण परुष मृदु अनवस्थित तो दादश्च वेदना विशेष भवंती। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन थिंग इज दैट पित्त। पित्त में क्या आएगा? पित्त शोफ जो होगा वो पित्त होगा, पित्त कलर का होगा, पीतो मृदु, मृदु स रक्तो, मृदु होगा और रक्त के साथ वो युक्त होता है पित्त वाला। वा शीघ्र अनुसार ओषादश्च वेदना विशेष। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? वो शीघ्र अनुसाई, शीघ्र अनुसाई मतलब कि एकदम से बढ़ने वाला होता है, और इसके अंदर कैसा होता है वो? ओष, ओष। ठीक है, ओषादश्च वेदना विशेष भवंती। ठीक है, पित्त वाला आपका क्या होगा? पित्त कलर का होगा, मृदु होगा, रक्त के साथ युक्त होगा, और शीघ्र ही क्या होता है वो? बढ़ने वाला होता है। ओषादश्च वेदना विशेष भवंती। श्लेष्मा की बात करें, श्लेष्मा शोफ कैसी होगी आपकी? पांडु श्वेत रक्त, सॉरी पांडु कठिन स्निग्ध शीतो स्निग्धो मंद अनुसारी कंडवादश्च वेदना विशेष भवंती। जो श्लेष्मा वाली होती है, जो श्लेष्मा वाली होती है वो आपकी पांडु होगी, क्योंकि कफ है, कफ कैसा होगा? थोड़ा हार्ड होगा, कठिन होगा, ठीक है, लेकिन स्निग्ध भी होगा, शीत भी होगा, ठंडा भी होगा, स्निग्ध मंद अनुसारी, ठीक है, मंद रहता है, धीरे धीरे बढ़ने वाला रहता है, और उसमें बहुत ज्यादा कंडू होती है। ओके, वेदना विशेष। नेक्स्ट आते हैं सनिपातज। सनिपातज एज यू ऑल नो दैट सर्व वर्ण वेदना सनिपातश्च सव्यतु, सर्व वर्ण की इसमें वेदना रहती है। पित्त और रक्त में क्या आएगा आपके पास? पित्त व शोणित, पित्त व शोणित अति कृष्ण। इसमें लिखा है कि पित्त के समान लक्षण आएंगे और ज्यादा इसमें ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, लास्ट इसमें आता है अगंतुज। अगंतुज भी क्या है? अगंतुज मतलब चोट लगने से। अब किसी को चोट लगती है तो रक्त निकलता है, रक्त है तो पित्त भी है, तो पित्त प्लस रक्त, इनसे जो लक्षण होते हैं वो वाले आएंगे। और लोहित वर्ण का अवभास लिए हुए होते हैं, थोड़ा रेड कलर का ये अवभास लिए हुए होते हैं, उसके जैसा इनमें कलर होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमने इसके टाइप पढ़े हैं। ठीक है, तो ये अलग से भी पूछ सकते हैं आपको कि विशेष लक्षण ऑफ शोथ आपको 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वात है, देन पित, देन कफ। वात में आपको सिंपल याद रखना है कि तत्र वात शोफ कृष्ण अरुण, कृष्ण अरुण होगा, मृदु होगा, अनवस्थित होता है, वा परुष मृदु अनवस्थित हो दादेश वेदना विशेष भवंती। पित्त में क्या होगा? पीतो होगा, नेक्स्ट इसमें मृदु रहता है, स रक्त युक्त रहता है, एंड वा शीघ्र अनुसारी ओषादश वेदना विशेष। श्लेष्मा में शवथु रहता है, पांडु कलर का होगा, कठिन होता है, स्निग्ध होता है, और शीत होता है, स्निग्ध मंद अनुसारी कंडू इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, और सनिपातज में सारे कलर के, और आपके जो रक्त है उसमें आपका पित्त वाले सारे लक्षण आएंगे, और इसमें ज्यादा कृष्ण होता है, दैट्स इज अति कृष्णश्चय। और अगंतुज में क्या रहेगा आपके पास? पित्त प्लस रक्त, और ज्यादा इसमें लोहित की वर्ण का आभा लिए हुए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें शोफ की अवस्थाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये भी आपसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनमें से अलग अलग
टू टू मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें तीन आते हैं, एक आम अवस्था होती है शॉफ की, एक पच्चमान, एक पक्व होती है। ठीक है, अब जैसे एक आप पोटैटो का एग्जांपल हो, आलू है, आलू एक कच्चा है, फिर आपने थोड़ा कच्चा पक्का सा कर दिया, फिर वो पूरा पक्का हो गया। ठीक है, तो इसमें आम शॉफ के क्या लक्षण आएंगे? इन्होंने लिखा है ये जो तीन स्टेजेस होती हैं, अगर इनको वो जानता है ना, जो यह तीनों स्टेज जानता है उसे आप वैद्य कहोगे, और जो रेस्ट है, जो और है, उसे आप तस्करा कहते हो, तस्कर वृत्ति बोलते हो। तस्कर वृत्ति मतलब कि जिसको कोई ज्ञान ना हो। ठीक है, तो अब बात आती है हमारे पास सबसे पहले आम अवस्था के। आम अवस्था क्या होता है? आम अवस्था होता है तत्र मंद उष्मता, त्वक सा वर्णता, शीत शौफता, स्थैर्य, मंद वेदना, अल्प शौफता च आम लक्षण उद्दिष्टम। देखो मैं सिंपल से आपको बात समझाती हूँ। अब किसी को ना स्वेलिंग होने लग रही है, अभी अभी हुई है मतलब उसकी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, शोफ का जो स्थान होता है वो कुछ गर्म आपको मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज है, तो अगर शोथ है तो गर्म तो मिलेगी वो, ठीक है, थोड़ी मिलती है लेकिन कुछ गर्म। और उस स्थान की त्वचा का जो अन्य स्थान की त्वचा से क्या होगा, समान वर्णता होगा, कलर उसका भी सेम है। ठीक है, और शोफ का कैसे होगी, शीत स्पर्श होता है, कुछ गर्म तो होगी लेकिन उसका शोफ जो होते है वो शीत स्पर्श रहती है, क्योंकि इसमें आम है, इंडाइजेशन रही है, अभी वो पक्का थोड़े है, ठीक है ना, तो उसके अंदर पिक्ट है, तो आम है तो स्थिर रहेगा और उसमें बहुत कम पेन होता है और बहुत ही कम इसमें शोफ होती है। ठीक है, और इसमें हमारा आएगा तत्र मंद उष्मता त्वक सवर्णता, शीत शोफता, स्थैर्य, मंद वेदना, अल्प शोफता च आम लक्षण उद्दिष्टम। ठीक है, इसमें आपका क्या आएगा कि सबसे पहले है मंद उष्मता, कि उष्मा कैसी रहती है, उसके अंदर कम रहती है। ठीक है, और त्वक के कलर की होगी। ठीक है, आप अपने माइंड में एक ऐसी स्वेलिंग सोच लो कि जिसकी उष्मा आपने टच किया तो उसकी कम थी, ठीक है, स्किन के कलर की थी, ऊपर से बात आती है ठंडा था, शीत शोफता थी, स्थिर था वहीं पे, और उसके अंदर पेन कम था और शोफ भी उसके अंदर कम था। ठीक है, तो ये सारे आम के लक्षण है, तत्र मंद उष्मता। नेक्स्ट मंद उष्मता है, आफ्टर दैट उष्मा कम है, त्वक के वर्ण की है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर शीत शोफता, शीत रहता है और स्थैर्या है, स्थिर है वहां पे, और मंद वेदना रहती है, उसके अंदर कम पेन रहता है, अल्प शोफता, और ये आम के लक्षण के आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक भी है, आप देख सकते हो, मत साशिमा, ठीक है, साशिमा, मत साशिमा, ओके, म से यहाँ पे मंद उष्मता है, त से त्वक वर्णता, ठीक है, स से शीत शोफता, स से स्थैर्य, म से मंद वेदना, अक है आपका अल्प शोफता। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये ट्रिक भी लिख सकते हो, दैट्स इज मत सीमा, मत सीमा, ओके, सो म से यहाँ पे आपका मंद उष्मता, त्वक सवर्णता, शीत शोफता, स्थैर्य, फिर आपका आएगा मंद वेदना, अ से आपका अल्प वेदना, अल्प शोफता रहती है। नेक्स्ट आते हैं बात यहाँ पे आपकी पच्चमान की। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको समझने वाला है, इसके जो वर्डिंग्स हैं वो बहुत इजी हैं, पर इतने सारी सी वर्डिंग है, थोड़ा बंदा याद नहीं सारे रहती इसमें, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले लिखे हैं इसमें स्थानिक लक्षण। तो स्थानिक लक्षण में इसमें क्या आता है, तो इसमें दिखाई देने वाले लक्षणों के दो भेद से विभाजित करते हैं, इसमें एक तो लोकलाइज्ड होता है, एक इसमें सार्वजनिक होता है, जो पच्चमान होता है। ठीक है, पच्चमान में बेसिकली आपका वात पित्त रहेगा, ओके, तो इसके अंदर एक स्थानिक रहता है, आपका सर्वदेहिक रहता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले स्थानिक में कि उसमें क्या होता है, सुई चुभने के समान पेन रहता है, सूची भीरव निस्तुद्यते दिशते एव पिपलिका भी। देखो पहली लाइन यही है, सूची भीरव निस्तुद्यते, सूची भीरव निस्तुद्यते मतलब कि सुई चुभने जैसी पीड़ा, फिर आपने सुई चुभी आपको ऐसी लगा, अब सुई कैसे चुभी आपको कैसे पता लगा, आपने देखा तो वो चीटियां चल रही थी, आपको एक स्टोरी से ये समझना है तभी ये सारी चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सूची भीरव निस्तुद्यते, आपको सुई चुभने जैसी पीड़ा हुई, फिर आपने देखा कि वहां तो कीड़ी चल रही है, दश्यते ए पिपलिका भी, मतलब दश्यत मतलब देखा, ठीक है, चीटिका के समान, मतलब दश्यत मतलब काटना। नेक्स्ट आएगा ताभी संस्पर्शियत ईव, ताभी संस्पर्शियत मतलब उसके चलने के समान रहता है, फिर छिद्यते ईव शस्त्रेण, ऐसा लगेगा जैसे फिर आपने देखा चीटियां शरीर पे चल रही है, उसके समान
आते हैं आपको लगता है, फिर शस्त्र से काटने के समान, छिद्यते एव शस्त्रेण, छिद्यते काटना मतलब कि शस्त्र के समान, फिर भिद्यते एव शक्ति भी, कि जैसे भेदन कर दिया हो, शक्ति के साथ भेदन कर दिया हो, फिर टाड़यते इव डंडेन मतलब कि डंडे से मार दिया हो, पीड़यते इव पाणिना जैसे हाथ से दाब मतलब हाथ से पीट दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट घट्यते इव अंगुलिया, अंगुली के द्वारा मले जाने के समान रहते हैं। दहते पच्यते इव च अग्निशाराभ्याम, दहते पच्यते मतलब कि यहाँ पे आएगा आपके पास कि अग्नि के समान जलाए हुए या शार, शार के से पकाए जाने के समान वहां पे प्रतीत होता है। फिर ओष चोष परिदाह भवंती, ओष चोष परिदाह इसमें रहती है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास वृश्चक, वृश्चक विद इव च स्थान असन शयनेशु न शांति उपेति, इसमें रहता है बिच्छू के काटने के समान पेन रहता है, वृश्चक विद एव। नेक्स्ट लिखा है स्थान असन शयनेशु न शमन उपेति, अगर चाहे वो बैठ जाए, चाहे वो सो जाए, चाहे वो खड़ा हो जाए, फिर भी उसको शांति नहीं मिलती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन थिंग इज सेज दैट आधमान बस्ती री वातश्च शोपो वंती, ऐसा लगता है जैसे आधमान हो रहा हो और बस्ती की तरह ऐसे फील होता है कि फूली हुई जैसे मशक की तरह उसमें प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट त्वक विवर्णता, त्वक में क्या रहेगा आपका, डिस्कलरेशन रहेगी। और शोफ अभिवृद्धि, अगर शोफ की वृद्धि होती है, जो अब मैं ये वर्ड बोलूंगी, ज्वर देहा पिपासा भक्त अरुचिश्च पच्च मानलिंगम, ठीक है। ये आपको किस में आएगा, सार्वदेहिक में, सार्वदेहिक में आपका क्या रहेगा, ज्वर दाहा पिपासा। अब देखो ज्वर होता है, ज्वर में पित्त रहता है, तो दाहा हो गया आपको, प्यास लगेगी, फिर भक्त अरुचि खाने में इच्छा आपकी नहीं होगी, तो ये आपके किसके रहेंगे, पच्चमान के लक्षण रहते हैं, ठीक है। आई रिपीट, अगर आप इसको बार बार रीड करोगे तो आपको ये इजिली समझ आएगा। सबसे पहले आएगा सूचि भीरव निस्तुद्यते, नेक्स्ट आएगा दशते पिपलिका भी, उसके बाद आएगा आपके पास ताभी संस्पर्शेत इव छिद्यते शस्त्रेण विद्यते एव शक्ति भी, ताड़ते एव डंडेन पाणिन पीड़यते इव पाणिना घटते एव च अंगुली, फिर आएगा दहते पच्यते इव च अग्निशाराभ्याम, ठीक है, कि ऐसा लगेगा जैसे अग्नि से जला दिया और क्षार से वहां पे जला दिया हो, ठीक है। फिर दहते पच्यते इव च अग्निशाराभ्याम, ओष चोष परिदाह भवंती, ठीक है। और वृश्चक विधि के समान रहता है। फिर आएगा स्थान अश्न शयनेशु न शांति उपेति, ठीक है। आधमान बस्ती री वातश्च शोपो वंती, त्वक विवर्णता रहती है, और शोप अभिवृद्धि अगर हो जाते हैं तो ज्वर दाह पिपासा भक्त रुचि आपको वहां पे मिलेंगे। अंडरस्टूड। तो ये सारे लक्षण आपके पच्चमान के है। अब आता है पक्व। अब पक्व क्या होता है, जो पक्व होता है इसके अंदर क्या रहेगा आपके पास, वेदना उपशांति पांडुता अल्प शोफता वली प्रादुर्भाव प्रादुर्भाव सत्वक परिपूर्णम निम्न दर्शनम अंगुल्या अवपीड़यते प्रत्यम उन्नतम। वैसे तो बहुत बड़ा श्लोक है ये, देखो मैं हिंदी आपको समझाती हूँ क्योंकि इतना श्लोक तो याद रहेगा ही नहीं। देखो क्या आएगा, वेदना की शांति। अब देखो पक गया है वो, अब वो पकने वाली स्टेज है, तो इसमें सबसे पहले आती है वेदना की शांति, ठीक है। अब जब आपने देखी होगी, जब ये स्वेलिंग जाने वाली होती है तो पेन तो होगा कम, ठीक है, पांडु वर्ण का होगा, अल्पशोफ उसके अंदर स्वेलिंग कम रह जाएगी, और उसमें क्या होगा, त्वचा पे झुर्रियां पड़ेंगी। क्योंकि झुर्रियां क्यों पड़ेंगे मैं आपको बताती हूँ, पहले वो स्किन इतनी खिंच रही थी तभी वो ऊपर की तरफ फूल रही थी, अब जो फूली हुई चीज है जब उसमें से नीचे से हवा निकालेंगे तो वो कैसे बन जाएगी, उसमें झुर्रियां सी पड़ जाएंगी ना, क्योंकि वो खिंची हुई चीज तो है ही पहले ही, ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा मिल गया उसको मास। तो नेक्स्ट आएगा, अब देखो पहले आपने देखा कि पेन नहीं था, फिर पांडु वर्ण की हुई, फिर उसके अंदर स्वेलिंग कम हुई, झुर्रियां पड़ गई, देन दरार होना, और अंगुली से दबाने पर वहां पे गड्ढा बन जाता है और हटाने पर फून है वो भर जाता है, ठीक है। और अंगुली से एक तरफ के भाग को दबाने पर मशक से भर हुए पानी की तरह पुयो के संचरण की दूसरे कोने पर प्रतीति होती है। एक तरफ से आप दबाओगे और दूसरी तरफ आपको पानी सा भरा दिखेगा, पस में नहीं होता, इधर से दबाएंगे उधर जाए मिलेगा, उधर से दबाएंगे इधर जाए मिलता है, ठीक है। तो इसमें पिटिंग एडिमा और फ्लक्चुएशन टेस्ट जो मैं अभी बता रही हूँ, ये फ्लक्चुएशन टेस्ट है। नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर, बार बार सुई चुभने जैसी पीड़ा रहेगी, कंडू रहती है, और शोफ के आभार का कम होना, शोफ सैलिंग उसके अंदर कम होगी, उपद्रव भी कम होते हैं, और भोजन करने में इसमें इच्छा होगी। आपने पच्चमान में पढ़ा था उसमें भक्त अरुचि था, यहाँ पे क्या होगा, उसमें रुचि उत्पन्न होती है, खाना वो खाएगा यहाँ पे। ये सारे आपके पक्व शोफ के लक्षण है, ठीक है।
तो ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। आई रिपीट, सबसे पहले पेन नहीं होगा, पांडु वर्ण को होगा, स्वेलिंग कम होगी, उसमें झुरियां पड़ेंगे, दरार पड़ेंगे, जब आप उंगली से दबाओगे तो वहां पे दब जाएगा, हटाओगे तो वहां पे दोबारा वो भर जाता है, और अगर आप जैसे उंगली के एक तरफ के भाग को दबाओगे तो मसक कितने दूसरे में आपको फील होगा, तो ये फ्लक्चुएशन टेस्ट होता है। बार बार सुई चुभने जैसे इसमें प्रतीति होती है, कंडू स्वेलिंग होगी, ठीक है, और इसके अंदर आपको सॉफ्ट के भार का कम मिलेगा, ठीक है, उपद्रव की शांति और भोजन में रुचि उत्पन्न होगी। इसमें मैं आपको बताती हूँ, इस नोट्स में नहीं है, मैं आपको बताती हूँ इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, कि जो कफजन्य व्रणशोफ में या अभिघात व्रणशोफ में दोनों की गति गंभीर होने के कारण कभी कभी पक्व अवस्था में संपूर्ण लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, पक्व शोफ को भी अपक्व शोफ मानकर चिकित्सक मोहित हो जाते हैं। तो इसमें आपको सवर्णता शोफ स्थान में शीतता स्थूलता वेदना की अल्पता और पत्थर के समान घनता दिखाई दे तो उसे पक्व व्रणशोफ समझना चाहिए। इन्होंने बोला है कि पक्व आप किस चीज को समझो, और जिसमें आपको सेम कलर का मिले, पत्थर के समान घन मिले, स्थूल मिले, शीत मिले, उसे भी आप पक्व व्रणशोफ समझना है। अंडरस्टूड। अब आते हैं आपके पास यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट। तो जो ये ट्रीटमेंट है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो इसमें आपको बता रखा है यहाँ पे व्रण शोफ के 7 उपक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका आता है आदो विमलापन कुरियाद, स्टार्टिंग में आएगा विमलापन कुरियाद, द्वितीयम अवशेषणम, ठीक है, सेकंड अवशेषणम, तृतीयम उपनाहा, तीसरा उपनाहा, चतुर्थ पाटनम क्रिया, चौथा आएगा पाटन, पंचम शोधनम कुरियाद, फिफ्थ आएगा शोधन, ठीक है, सिक्स्थ आएगा रोपनम, एते क्रमा व्रणस्य उक्तम सप्तम विकृत अपमम। ये आपको श्लोक याद करना है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको ये श्लोक याद कराऊंगी, ठीक है, टेंशन तो उसके आपको लेनी नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर होते हैं 7 उपक्रम, ये आपको अलग से भी आपको 4 मार्क्स में पूछ सकता है बंदा, चाहे तो 2 मार्क्स में पूछ ले, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। व्रण शोफ के 7 उपक्रम आपको पता होना चाहिए, ये श्लोक का साथ में लिखोगे तो आई थिंक आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, उसके बाद आपको देखना है। विमला अब उनके पास रोवे, विमला लिखो, रोवे कर सकते हो आप, विमला अब उनके पास रोवे। देखो, एक विमला एक लड़की है, ठीक है, और बेचारी बहुत ज्यादा गरीब है, तो अपने मालिक के पास जाके वो रोती है। तो इसकी ही ट्रिक है कि विमला अब उनके पास जाके रोवे, ठीक है, उनके पास रोवे। तो विमला मतलब कि विमलापन, अब से अवसेचन, ठीक है, उनके मतलब उपनाहा, ठीक है, प से पाटन, र से यहाँ पे रोपण, पाटन और श से आपका शोधन आएगा, देन रोपण एंड देन आपका आएगा विकृतपम, रोवे वे विकृतपम। अंडरस्टूड। आई रिपीट इट वंस अगेन, आदो विमलापन कुरियात द्वितम अवशेषण, आदो विमलापन, स्टार्टिंग में विमलापन, नेक्स्ट आदो विमलापन कुरियात द्वितम अवशेषणम, तृतीयम उपनाहा, टू चतुर्थ पाटनम क्रिया, पंचम शोधनम कुरियात एंड सष्टम रोपणम इष्यते, एते क्रमा व्रणस्य उक्तम सप्तम व्यकृत अपमम, ठीक है। ये क्या आएगा, देखो, विमला अब उनके पास रोवे, ये आपको समझ आ गया, विमला मतलब विमलापन, तो पहला आपको लिखना आदो विमलापन, इतना लिखा, फिर आएगा कुरियात करना है, द्वितीयम अवशेषणम, द्वितीय वर्ड लिखा आगे, फिर अवशेषण लिख देना, फिर आएगा तृतीयम, तृतीयम क्या आएगा उपनाहा, फिर आएगा तू चतुर्थ, चतुर्थ आएगा पाटन क्रिया, पंचम शोधन आएगा, फिर आपको लिखना है कुरियात, फिर दोबारा कुरियात लिखना है, षष्टम रोपण, रोपणम इष्यते, रोपण इष्यते करना है, ठीक है, एते क्रम, ये क्रम से करना है, व्रण सियोक्तम सप्तम, जो ये व्रण के क्या होते हैं उपक्रम है, सात, सातवां है व्यकृतपम, व्रण सियोक्तम एते, एते क्रमा क्रम में करना है, एते क्रम व्रण सियोक्तम सप्तम व्यकृतपम, ठीक है। तो सबसे पहले आपका विमलापन, द्वितीयम आपका कोई आदि का क्या करना है, देखो मैं आपको ये बता देती हूँ थोड़ा। विमलापन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, उंगली द्वारा मर्दन करके क्या करते हैं उसको, विमलापन करते हैं, ठीक है जी, उंगली से मतलब मर्दन करते हैं। नेक्स्ट है अवशेचन, अवशेचन का मतलब ये जो हम इन डिटेल पढ़ेंगे षष्ठी उपक्रम में, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इस कारण कम बता रही हूँ क्योंकि षष्ठी उपक्रम में इन डिटेल आते हैं। तो
अवसेचन क्या होता है? अवसेच मतलब कि निकालना, किसी चीज का विस्त्रावन करना, है ना, वही आएगा। तित्य मतलब उपनाहा, आपको पता है पुलटिश बांधते हैं, तो उपनाहा एवं पाचन ये दो क्रम सविष्ट होते हैं। पाटन मतलब कि छेदन या सीवन तक के जो नौ क्रम है वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। देखो जो विमलापन है ना, उसमें जो षष्ठी उपक्रम में से जो अपतर्पण है, स्टार्टिंग से लेके विमलापन तक के क्रम आते हैं, ठीक है। और जो अवसेचन है उसके अंदर आपके रहते हैं जो विस्त्रावण है, स्नेहन, वमन, विरेचन, ये चार आते हैं, ठीक है। विस्त्रावण, स्नेहन, वमन, विरेचन। और उपनाहा में आपको उपनाहा और पाचन आते हैं, दो ही आते हैं। पाटन में आपका नौ आते हैं, छेदन से लेके सीवन तक के, ठीक है। और जो शोधन है, शोधन में आपके शोधन गण, पाटन के बाद जो भी शोधन गण है वो इसमें आते हैं। और रोपण आपके संधान से व्रण धूपन तक के, ये तेरह इसके अंदर आएंगे। और व्यकृत अपम क्या होता है? व्रण के रोपण हो जाने पर व्रण वस्तु सामान्य त्वचा में निम्न प्रकार के भिन्न होते हैं, मतलब इसके आएगा, इसमें आपको मैं बताती हूँ। इसका व्रण अधिक गहरा या पांडुता लिए हो, इसका तल उठा हुआ अवतल हो, व्रण वस्तु में रोम उत्पन्न ना हो अथवा अधिक संख्या में हो, तो ये सारी इसके अंदर बेसिकली बात आते हैं उनको हील करने की, ठीक है। और लास्ट रक्षा विधान रहता है इसमें, उत्साधन से रक्षा विधान, वो 26 इसके अंदर आएंगे लास्ट वाले में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं दोबारा बता देती हूँ क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है षष्ठी उपक्रम में। अगर आपने ये साथ पढ़ लिए और आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर आएंगे, यहाँ से यहाँ इसके अंदर आएंगे, तो आप इजिली उसमें लिख सकते हो। तो पहला मैंने आपको बताया आदो विमलापनम, विमलापन में आपका आता है विमलापन में आता है आप अपतर्पण से विमलापन तक के, मतलब इसके अंदर सिक्स आते हैं। कुरिया द्वितीयम अवसेचनम, दूसरा है अवसेचन। अवसेचन में आपका क्या आएगा? एक आएगा आपका विस्त्रावण, स्नेहन, वमन, विरेचन, चार आएंगे। उपनाहा में क्या आएगा? उपनाहा और पाटन आता है। नेक्स्ट आता है पाटन, उपनाहन और पाचन आता है। पाटन में आपकी नौ आती है, छेदन, वेदन, ये सब आएगा इसके अंदर सेवन तक। फिर आता है शोधन, शोधन मतलब पाटन के बाद जो सारी है शोधन गण की वो आएंगी, ठीक है। क्वाद से व्रण का शोधन करना है। रोपण में आपके पास संधान से लेके व्रण धूपन तक आता है, ठीक है, संधान से व्रण धूपन तक। और व्यकृत अपम में आपका उत्साधन से लेके रक्षा विधान तक 26 इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट है, ठीक है। तो देखो अब ये था इसका सारा का सारा आयुर्वेदिक पार्ट, अगर आपके पास आता है 10 मार्क्स में, ठीक है। अगर आपको सिंपल इतना अगर लग रहा है आपको ये सारा 10 मार्क्स में बहुत ज्यादा हो गया, तो इतना ही लिखना है, थोड़ा सा बस लास्ट में एक लाइन लिख देना कि वी कैन कोरिलेट विद दिस इन्फ्लामेशन, उसकी डेफिनेशन लिख देना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपका रहता है कि नहीं बन पा रहा है कि 10 नंबर में नहीं बन रहा है, तो आपको इन्फ्लामेशन अलग से लिखना है, देखो। और इसके अंदर एक और बात रहती है, जो वैद्य आम अवस्था शोफ को चीरता है तो उसमें क्या रहता है, जो पक्व अवस्था की अपेक्षा कर देता है तो उसे क्या कहेंगे, चंडाल कहते हैं। आम शोथ, अगर आपने आम शोथ किया तो क्या होगा, छेदन। अगर आम शोफ में आपने छेदन किया तो मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, व्यापद, अभिघात आपको मिलेंगे। शोणित बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा, ठीक है। और प्रोड्यूस शत विद्रधि, और क्या करेगा आपका, शत कर देता है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि अगर आप आम अवस्था में छेदन कर देते हो, आपको नहीं पता और आम अवस्था में आप छेदन कर देते हो, तो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होगा, एक तो रक्त आएगा, वेदना होगी, बहुत कॉम्प्लिकेशन, और शतज शत वाली विद्रधि को उत्पन्न कर देता है। पक्व में उपेक्षा कर नाड़ी, अगर पक्व आपने ठीक नहीं किया, पक्व में आपने ऐसे सोचा कि नहीं छेदन नहीं करता, कि ये तो शायद आम है, अगर आपने वो वहां पे छोड़ दिया तो वहां पे फिस्टुला बन जाएगा, नाड़ी बन जाता है, साइनस वहां पे बन जाता है। तो शोथ जो है वो वात में पीड़ा रहती है, मैं आपको बता देती हूँ, वात पीड़ा, पित्त में पाक, कफ में पियूं, ठीक है। कहीं पे भी हो बॉडी में ये आपको चीजें मिलेंगी, वात से पेन होता है, पित्त से पाक होता है, और कफ से पुए होता है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन आते हैं, इट इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द लिविंग टिश्यूज टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट, इट इज डिफेंस मैकेनिज्म और इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। ये क्या है, सबसे पहले कहा इट इज डिफाइंड एज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ द लिविंग टिश्यू। देखो हमारी जो लिविंग टिश्यू है ये उसका लोकल रिस्पॉन्स होता है, कोई भी इंजरी होता है किसी भी कारण से, ड्यू टू एनी एजेंट, और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, ठीक है।
तो क्या है, सबसे पहले ये एक लोकल रिस्पॉन्स होता है लिविंग टिश्यूज का, और इंजरी के उसमें किसी भी कारण से वो हो चाहे, और ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। कॉजेज क्या है, क्यों होती है इन्फ्लामेशन? एक इन्फेक्टिव हो सकता है, मे बी वायरस बैक्टीरिया फंजाई के कारण, या फिर इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है। आप इसको IPC से याद कर सकते हो, IPC, इन्फेक्टिव इम्यूनोलॉजिकल और इनर्ट। पी मतलब फिजिकल, सी मतलब केमिकल, IPC, इन्फेक्टिव इम्यूनोलॉजिकल एंड इनर्ट। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट में आपका आता है एंटीजन एंटीबॉडी, जो रिएक्शन रहती है। फिजिकल में आपका रेडिएशन, हीट और कोल्ड हो सकता है। केमिकल में आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉइजनिंग एंड द इनर्ट मटेरियल लाइक फॉरन बॉडी मटेरियल होगा। अंडरस्टूड? तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने कहा इन्फेक्टिव, जैसे वायरस बैक्टीरिया फंगस हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल में आपका एंटीबॉडी और एंटीबॉडी रिएक्शन एंटीजन। फिजिकल में आपका हीट कोल्ड रेडिएशन। केमिकल में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉइजनिंग। इनर्ट में आपका फॉरन बॉडी मटेरियल रहते हैं। अब रहते हैं कार्डिनल साइन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो कि हमारे जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन होते हैं, उसके अंदर कार्डिनल साइंस है 5, दैट्स इज रूबर, ट्यूबर, कैलर, डॉलर, फंक्शियोलेसिया। ठीक है, तो क्या है, र्यूबर ट्यूमर, र्यूबर रूबर ट्यूमर, कैलर डॉलर, फंक्शियोलेसिया। ठीक है, रूबर मतलब रेडनेस या फिर हाइपरेमिया, आप वर्ड यूज कर सकते हो। ट्यूमर मतलब स्वेलिंग, कैलर मतलब हीट, डॉलर मतलब पेन, फंक्शियोलेसिया मतलब लॉस ऑफ फंक्शन होता है। रूबर, कैलर, डॉलर, ट्यूमर, ठीक है, और फंक्शियोलेसिया। ओके, सो टाइप, इन्फ्लामेशन इज बेसिकली टू टाइप, एक एक्यूट होगा, एक दूसरा क्रॉनिक होता है। अब एक्यूट क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन इज द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू हार्मफुल स्टिमुलस। देखो, जो एक्यूट होता है ना, वो एकदम से होता है, रिस्पॉन्स होता है हमारा इनिशियल, स्टार्टिंग का ही रिस्पॉन्स होता है, जो भी हमारे कोई भी स्टिमुलस की वजह से होता है। हार्मफुल स्टिमुलस अगर देते हैं तो एकदम से होता है। एंड इट इज अचीव्ड बाय इंक्रीज मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइट फ्रॉम ब्लड टू इंजर्ड टिश्यू। ये क्या होता है, ये कब होता है, इससे क्या होता है, जैसे आपने कोई स्टिमुलस दिया तो आपके जो प्लाज्मा और जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो बढ़ जाते हैं ब्लड से टू इंजर्ड टिश्यू। ठीक है, इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड अर्ली बॉडी रिएक्शन फॉलोड बाय हीलिंग। ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, क्यूट है, और इसमें अर्ली क्या हो जाती है, रिएक्शन आपको मिलेगी और जल्दी ये ठीक हो जाते हैं, हीलिंग हो जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज ड्यू टू द प्रोग्रेसिव शिफ्ट, WBC इज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड करेक्टराइज बाय साइमल्टेनियसली डिसरप्शन एंड हीलिंग। इसमें क्या होता है, शिफ्ट होते रहते हैं WBC बेसिकली, जो आपके प्रेजेंट होते हैं इन्फ्लामेशन पे, शिफ्ट होते रहते हैं, ऐसे ही टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो ये बेसिकली प्रोग्रेसिव स्टेज होती है। अब इसके अंदर आते हैं स्टेप्स, स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड इन्फ्लामेटरी में वेस्कुलर सेलुलर आता है, देन रिपेयर एंड रीजनरेशन एंड रिमॉडलिंग एंड मैचुरेशन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की। अब कोई भी चीज है, सबसे पहले इन्फ्लामेशन है तो ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन होगी। मेन फीचर ऑफ इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स इज अकोमलेशन ऑफ फ्लूइड्स एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट, इंटरवेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। क्यों होती है, सबका ये क्वेश्चन तो होना चाहिए कि यार ये इन्फ्लामेशन होती कैसे है। इन्फ्लामेशन होती है आपकी जब आपका जो फ्लूइड होता है वो इकट्ठा हो जाता है, या फिर जो प्लाज्मा होता है वो इकट्ठा हो जाता है आपकी अफेक्टेड साइट पे। ठीक है, दैट्स इज अकोमलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा। ठीक है, कलेक्ट हो जाता है आपका अकोमलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट। अफेक्टेड साइट पे ये दोनों चीजें क्या होती है, कलेक्ट हो जाती है। एंड इंट्रावेस्कुलर जो एक्टिवेशन हो जाती है आपकी, जो वेसल्स के अंदर की बात हो रही है, इंट्रावेस्कुलर होता है, प्लेटलेट्स वहां पे एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है जी, इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो दो कारणों से आपको सूजन दिखाई देती है। ठीक है, पहला कारण तो ये है कि अकोमलेशन ऑफ फ्लूइड्स एंड प्लाज्मा, ठीक है, एट द अफेक्टेड साइट, या फिर सेकंड आता है इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, किसके अंदर वेस्कुलर रिस्पॉन्स आता है, एक आता है सेलुलर रिस्पॉन्स। अब वेस्कुलर रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो वेस्कुलर रिस्पॉन्स होता है वो हैपन करता है हीमोडायनामिक चेंजेस एंड चेंजेस इन द वेस्कुलर परमेबिलिटी। ये कब होता है, जब आपकी हीमोडायनामिक, हीम मतलब ब्लड, इसके अंदर अगर कोई चेंजेस होते हैं या फिर चेंजेस इन वेस्कुलर परमेबिलिटी, इसकी वजह से वेस्कुलर में चेंजेस आते हैं। ऑब्वियसली वेस्कुलर परमेबिलिटी में चेंजेस होगा या फिर आपके हीमोडायनामिक चेंजेस होता है, तभी क्या होता है, वेस्कुलर रिस्पॉन्स आता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है ट्रांजिएंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब मेनली आर्ट्रियोल्स में होता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है,
कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट होगा। जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन विद इन हाफ आवर ऑफ इंजरी। फिर इसके अंदर क्या होता है, वैसोडाइलेशन होने स्टार्ट हो जाती है। पहले ही अगर कोई चीज होती है, कोई स्टिमुलस जाता है, तो एकदम से कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, देन इसके अंदर क्या होता है, इसमें प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन होने लग जाता है हाफ आवर ऑफ इंजरी, आधे घंटे इंजरी के अंदर ही। ठीक है, फिर ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, जब वैसोडाइलेट होगी कोई चीज, हमने कोई चीज ज्यादा चौड़ी कर दी, उसमें से ब्लड फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन एलिवेट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिससे क्या होगा, आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, ट्रांसडक्शन ऑफ फ्लूइड्स इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस लीड टू एडिमा और स्वेलिंग। फिर उससे क्या होगा, जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करेंगे, ट्रांसडक्शन करते हैं फ्लूइड्स का इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस लीडिंग टू एडिमा, एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस से वहां बाहर आएंगे वो, ठीक है, और वहां पे स्वेलिंग कोज कर देते हैं। ठीक है, और फिर ल्यूकोसाइटिक मैग्नेटम वहां पे होता है। ये क्या है, इट्स इज पेरिफेरल ओरिएंटेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स मेनली न्यूट्रोफिल्स अलोंग द वैस्कुलर एंडोथीलियम माइग्रेट थ्रू द गैप इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, इट इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन। देखो, जो पेरिफेरल ओरिएंटेशन होती है आपकी ल्यूकोसाइट्स के, मेनली उसमें न्यूट्रोफिल्स इन्होंने कहा है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अलोंग विद वैस्कुलर एंडोथीलियम माइग्रेट हो जाते हैं, गैप्स में चले जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से वो गैप्स में चले जाते हैं, उसी को इमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका वैस्कुलर रिस्पॉन्स है। वैस्कुलर रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये कब होता है, पहली बात तो हेमोडायनामिक चेंजेस की वजह से, या फिर आपकी वैस्कुलर परमेबिलिटी की चेंजेस की वजह से होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ट्रांजिएंट इसके अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, आफ्टर दैट इसके अंदर प्रोग्रेसिव वैसो डायलेशन होती है इवन हाफ आवर में, ठीक है, इंजरी के, देन आफ्टर इसमें ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वैसो डायलेशन में क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज, उससे क्या होगा, जो ट्रांजेक्शन हो जाते हैं फ्लूड्स के कहाँ पे, इंटू द आउटर स्पेस में, जिससे क्या हो जाता है, वहां पे स्वेलिंग कोज आएगी और ल्यूकोसाइटिक माइग्रेनिटम हो जाता है। ठीक है जी, और जो पेरिफेरल आपकी ल्यूकोसाइट्स हैं, मतलब न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो आपके एक्स्ट्रासेलुलर से गैप में चले जाते हैं, जिसे इमिग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेलुलर का। सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या आएगा आपके पास, जो सेलुलर होगा, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जो एक्सुडेट्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स, किसकी वजह से है, चेंजेस इन द वैस्कुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड। इसमें क्या होगा, जो आपके ब्लड होता है, जो एलिमेंट होते हैं वैस्कुलर एलिमेंट ऑफ ब्लड, उनमें चेंजेस आते हैं, जो वैस्कुलर एलिमेंट्स है ना आपके ब्लड के, उसमें चेंजेस आते हैं। फिर क्या होगा, रोलिंग एंड एडहेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, वहां पे क्या होगा, रोलिंग होगी या फिर एडहेशन हो जाती है न्यूट्रोफिल्स की। फिर इमिग्रेशन होती है, वही एक्स्ट्रासेलुलर से वो आपके गैप में जाएंगे, देन आपका क्या आएगा, कीमोटैक्सिस, दैट्स इज ल्यूकोसाइटिक माइग्रेट टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, इट इज नोन एज कीमोटैक्सिस। जो आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो माइग्रेट होते हैं टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, उसे कहेंगे कीमोटैक्सिस। एंड ड्यू टू द स्टिमुलेशन साइटोक्सिन एंड एंटेरोल्यूकोसाइट्स, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस बाय पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एंड माइक्रोफेजेस होता है। ठीक है, बेसिकली इतना कुछ है नहीं है, मैं आपको बता दूं, अगर इन्फ्लामेशन आ भी जाए पेपर में तो 4 नंबर की आएगी, कोई 10 में तो आपको ये नहीं कहेगा कि इन्फ्लामेशन लिखो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही बताना है इन्फ्लामेशन है क्या, आफ्टर दैट आपको ये बताना है, ठीक है, कि इसके कॉजेस, देन कार्डिनल साइंस आपको बताने हैं, कार्डिनल साइंस के बाद इसके टाइप, एक्यूट एंड क्रॉनिक, आफ्टर दैट इनके स्टेजेस आ जाती हैं, स्टेप्स आते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, उसके अंदर सेलुलर और वैस्कुलर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा आपके पास रिपेयर। देखो, पहले आता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, है ना, सेकेंड आता है आपके पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है क्या, एक मिनट, द फर्स्ट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंड आएगा आपके पास रिपेयर एंड रीजनरेशन। पहले तो इन्फ्लामेशन होगी, नेक्स्ट आएगा रिपेयर होगी उस चीज की, हमारी बॉडी में दोबारा रीजनरेशन होते हैं। हियर न्यू कोलेजन्स आर फॉर्म्ड एंड अरेंज इररेगुलरिटी टू फॉर्म द स्कार। बेसिकली नए कोलेजन्स आते हैं यहाँ पे और वो क्या करते हैं, इररेगुलर से स्कार बना देते हैं। इट हैपन विद इन द 2 days to 8 weeks, बेसिकली 2 days से 8 weeks तक ये चलती है पूरी प्रक्रिया स्कार फॉर्मेशन की। ठीक है, नए कोलेजन्स आते हैं वहां पे, रेगुलर सी स्कार बना देते हैं, ये 2 दिन भी में भी हो सकता है अगर छोटी सी बिल्कुल चोट लगी है, 8 weeks तक भी हो सकता है। तो ठीक है, ये आपकी सीवियरिटी है, किस टाइप की इंजरी हुई है। नेक्स्ट आता है रिमॉडलिंग एंड मैच्योरेशन। रिमॉडलिंग एंड मैच्योरेशन
टिश्यूज कंटिन्यू टू रिमॉडल, टिश्यूज क्या करते हैं रिमॉडल होते रहते हैं, स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव इट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट हैपन विद इन 1 to 2 years। मतलब उनके अंदर नई नई, मतलब कि आपने देखो होगा आपको चोट लग जाती है तो बहुत सालों बाद उसका स्किन का कलर सा होता है बिल्कुल वैसा, ठीक है, और मतलब वहां पे भी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आती है उस एरिया में, ठीक है, ये नहीं, वैसे भी उसकी स्किन जहाँ पे लग जाती है हमें वहां की पतली सी रहती है स्किन, ठीक है, फिर भी टिश्यू कंटिन्यू टू रिमॉडल स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव इट्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ये बेसिकली 1 to 2 years में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा व्रण शोव और इन्फ्लामेशन कंप्लीट हो गया। मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर जो मैंने आपको बता दिए 4 मार्क्स से कौन से क्वेश्चन बनते हैं 2 के क्या पूछ सकते हैं वो इसमें से पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और जिस भी स्टूडेंट को 4th ईयर की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है किसी भी सब्जेक्ट की, या फिर आपको PG की क्लासेस लेनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल BMS Lectures 17, या फिर आप मुझे पर्सनली जीमेल कर सकते हो। माई जीमेल ID इज BMS Lectures 910@gmail.com, ठीक है, और वहाँ पे आप मेरे यूट्यूब के इन्फो में आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।